गुजरात के पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और शहर पुलिस आयुक्तों से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध पीपी पांडेय का पता लगाने में सीबीआई की मदद करने को कहा है। पांडेय का नाम 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में मुख्य आरोपियों में से एक के रूप में आया है और स्थानीय अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को रोकने के उपायों की समीक्षा की है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को रैगिंग रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की हिदायतें दी हैं। गौरतलब है कि 7 अगस्त को बी फार्मा की द्वितीय वर्ष की एक छात्रा ने रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में आरोपी चारों छात्राओं को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां उन्हें 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जम्मू के किश्तवाड़ इलाके में शुक्रवार को लोगों के प्रदर्शन और आपसी झड़प के बाद स्थिति की नजाकत को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। इलाके में सेना को तैनात कर दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा पर उतारू भीड़ ने 4 दुकानों, एक ट्रक और एक स्कूटर को आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर और लाठी चार्ज कर हालात पर काबू किया। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक नदी में नाव पलट जाने से 3 लोग डूब गए हैं और 4 अन्य लोग लापता हैं। पुलिस ने बताया कि कुछ लोग वर्धा के हिंगन घाट शहर में वेना नदी पार करने के लिए कल नाव में सवार हुए थे, लेकिन नाव बीच रास्ते में तेज बहाव की वजह से पलट गई। उत्तराखंड के रानीखेत और उत्तरकाशी में भारी बारिश हो रही है। इन जिलों के कई हिस्सों में बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। उत्तरकाशी और रानीखेत में आज सुबह से भारी बारिश के चलते हुए सड़क हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा है। उत्तरकाशी जिले में कई जगहों पर चट्टाने गिरकर सड़क पर आ गई हैं। भारी बारिश से बिजली के खंभे भी टूट गए हैं, जिसके चलते बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ऋषिकेश और बद्रीनाथ हाईवे भी जोशीमठ और रुद्रप्रयाग के बीच कई स्थानों पर बंद पड़ा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से आज नई दिल्ली में मुलाकात की और राज्य में बाढ़ प्रभावित लापता लोगों को सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की। साथ ही उन्होंने राज्य में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े होटलों को 31 मार्च 2014 तक सेवा कर में छूट देने की सिफारिश भी की। आज दिल्ली से लाहौर जा रही एक यात्री बस का अमृतसर से बाहर अटारी बॉर्डर के पास यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। ये लोग पुंछ में भारतीय सैनिकों की हत्या का विरोध कर रहे थे। हालांकि इस घेराव से किसी भी यात्री को कोई हानि नहीं पहुंची। बाद में बस को लाहौर रवाना कर दिया गया।